कैसे हैं आप? मैं शिष्पा कहानिया, जो आज आप कक्षा 9 के विद्यार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस हैं उसके अंदर जो पास्ट टेंस है हमारा, उसका तीसरा भाग है पास्ट परफेक्ट टेंस, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इसलिए सभी विद्यार्थी हैं और इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें और समझें। तो पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और परफेक्ट का मतलब कोई कार्य पूर्ण है। भूतकाल में जो कार्य है वो पूर्ण हो गया, उन वाक्यों को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए, और पास्ट परफेक्ट टेंस से वो पढ़ेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि परफेक्ट टेंस में हम कितने बार पढ़ते हैं, पहचान पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, पहचान के बाद सूत्र पढ़ते हैं, पहचान, नियम और हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए सूत्र, और चौथा पॉइंट पढ़ते हैं पहचान के शब्द। वे शब्द जो आपको एग्जाम में, परीक्षा में करेक्ट फिल वर्ब ऑफ फॉर्म का जो पॉइंट आता है वो आपका सही हो, इसके लिए आपको इन पहचान के शब्दों का ज्ञान होना इति आवश्यक है। तो सर्व पहला पॉइंट लेते हैं हम पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द होते हैं वह वाक्य पास परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसके दूसरी पहचान और भी है, क्या है कि ऐसे कुछ हिंदी के वाक्य जिसके अंत में लिया था, ली थी, लिए थे आदि शब्द भी आ सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द दिया था, और यहाँ पर लिया है, ली है, लिए है आदि शब्द पढ़ा था। ऐसा डबल है कि ये पहचान क्यों होती है? जैसे मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, हो गया। सीता कपड़े धो चुकी थी, सीता ने कपड़े धो लिए थे, इस तरीके से इसके और डबल पहचान है। और अंग्रेजी में इसका एक ही टेंस बनता है, लेकिन हिंदी के अंदर है इसकी डबल पहचान। अब दूसरा नियम आता है, दूसरा आता है पॉइंट 12 नियम। तो पास परफेक्ट जो टेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइक्रिया होती है, वो होता है। तो हम लिख सकते हैं सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग और यानी सहायक क्रिया हेड लगेगा। और जो दूसरा नियम है कि मुख्य क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लगेगी। प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट भी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके सिर्फ दो ही नियम। अब तीसरा आता है हमारा सूत्र। इसी सेंटेंस का हिंदी से जब अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं तो हमारा क्या सूत्र है, अर्थात पहले कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, प्रीपोजिशन, ये सब शब्द होते हैं, तो उनको हम किस क्रम से रखें। तो बार बार आपको बता दिया है कि हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के सूत्र है वो एक ही होता है। क्या है? सर्वप्रथम उसमें सब्जेक्ट कर्ता लिया जाता है, उसके बाद में होता है तो हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है, उसके बाद में वर्ब ली जाती है, उसके बाद में होता है तो प्रीपोजिशन लिया जाता है, और उसके बाद में क्या लिया जाता है, ऑब्जेक्ट। इन चार, एक दो तीन चार, जैसे प्रेजेंट टेंस में और पास्ट परफेक्ट में है वो साइक्लिया नहीं होती है, तो उसमें
ये तीन या चार जो है वो पाते हैं क्रम से, बाकी अवशेष जो बच गया वाक्य में उसको हम आगे रख देते हैं। दूसरा वाक्य आता है नेगेटिव, और नेगेटिव वाक्य का बच जाता है, ये भी अब आपको पता चल गया होगा कि किसी सहायक क्रिया के साथ जब हम नोट लगा देते हैं तो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। तो इसी प्रकार जो तीसरा हमारा है इंडोजेटिव पश्चिमवाचक है, तो इसका एक सीधा सा नियम है, आपने बार बार बता दिया है कि किसी वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू कर दो, जिस टेंस का हम वाक्य बना रहे हैं उस टेंस के वाक्य को उसकी सहायक क्रिया से शुरू कर दो, वाक्य पश्चिमवाचक बन जाएगा। तो इंडोजेटिव नेगेटिव में भी यही बात है, इंडोजेटिव है तो सहायक क्रिया से शुरू किया, जो करता दिया उसके बाद में नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा दिया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अन्य कोई शब्द है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का पहचान नियम और सूत्र हुए। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है पहचान के शब्द। तो देखो यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, इस टेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक दो दिन साधारण वाक्य जिसको हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं, एक होता है सेकंड टाइप का वाक्य। सेकंड टाइप के वाक्य हैं जिसको हम नाम देते हैं आफ्टर और बिफोर वाले वाक्य। तो पहचान के शब्द हैं, हम उस सेकंड प्रकार के वाक्य में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट प्रकार का जो हमारा वाक्य है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे, और लगभग एग्जाम के दृष्टि से अगर और बात है तो वो सेकंड प्रकार का जो हमारा वाक्य होता है, सेकंड टाइप के जो वाक्य होते हैं जो आफ्टर या बिफोर से शुरू है या फिर आफ्टर या बिफोर से वाक्य जुड़े हुए, इन्हीं की वर्ब है वो पूछी जाती है। इसलिए हम पहले दो तीन चार वाक्य इस टेंस के साधारण वाक्य को बनाते हैं, उसके बाद में हम जो सेकंड प्रकार का हमारा वाक्य है उसको बनाएंगे, तब आपको वर्ब ये कैसी मिल जाती है, पहचान के शब्द क्या है वो हम बता आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखा लिख सकते हैं कि पहचान के शब्द, पहचान के शब्द क्या है, नंबर एक है आफ्टर और दूसरा है बिफोर। पहला है आफ्टर या दूसरा है बिफोर, अर्थात आफ्टर का मतलब होता है के बाद, इसका मतलब होता है के बाद, और इसका मतलब होता है से पहले। वाक्य इनसे शुरू है या वाक्य इन दो से जुड़ा हुआ है तो ये होने चाहिए, ऐसे वाक्य आफ्टर बिफोर से जुड़े हुए होते हैं दो प्रकार के कर्ता होते हैं और दो प्रकार के मुख्य क्रिया होते हैं। चलो ये हम बाद में पढ़ेंगे, अब पहले हम क्या करते हैं, जो पहले प्रकार का जो वाक्य है, पहले प्रकार का जो वाक्य है उनके हम दो चार पांच वाक्य बना लेते हैं, जिस प्रकार मैं खाना खा चुका था। इसका दूसरा वाक्य क्या होता है, मैंने खाना खा लिया था। इसका दूसरा वाक्य है मैंने खाना खा लिया था। इस वाक्य में कोई अंतर नहीं, जैसे आपको तो पहचान होता है कि चुका था लिया था आ गया। अब इसका हम अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं, हमें पता है सूत्र के अनुसार इस वाक्य का कर्ता कौन है, मैं, इसको सब्जेक्ट लिखा, वर्ब ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया। सूत्र क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट क्या हमारा आई। हम दूसरा नियम क्या कहता है कि सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सहायक क्रिया, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हेड लगाओ, तो आई हैड प्लस वर्ब है इट, थर्ड फॉर्म इट, आई हैड इट, फूड हो गया।
आई नेगेटिव का बन जाता है, साइड क्रिया के साथ नोट लगाने से बटे नकारात्मक बन जाता है। साइड क्रिया क्या है? इसके साथ क्या लगा दिया हमने? नोट। तो हमारा वाक्य क्या हुआ? आई हैड नोट इटन और फूड। तो तीसरा था हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को समझ सकते हैं? वाक्य की शुरुआत की है आई इटन फूड। हैड आई इटन फूड, मैं भोजन खा चुका। क्या मैं भोजन खा चुका? चौथा आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या है? हैड आई नोट और इटन फूड, ये वही हमारे वाक्य एक से जो हमारे चार वाक्य थे वो हो गया। तो पहला है आई हैड इटन फूड, दूसरा है आई हैड नोट इटन फूड, तीसरा हैड आई इटन फूड और चौथा है हैड आई नोट इटन फूड। तो इस प्रकार अब देखो इस टेंस के तहत एक वाक्य पढ़ लो या चाहे दस वाक्य पढ़ लो, सभी का नियम एक ही रहेगा। क्यों? कि जिस टेंस के अंदर एक ही सही क्रिया आती है उस टेंस का अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी बनाने में सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम होता है, क्योंकि सभी कर्ताओं के साथ एक ही सही क्रिया का प्रयोग भी होगा। चलो यहां पर हम एक दो वाक्य और लेते हैं। यहां पर एक बात कहते हैं कि सीता एक गाना गा चुकी थी। अब इसका तो दूसरा वाक्य क्या है? सीता ने एक गाना गा लिया था। तो आई सब्जेक्ट सीता, उसके पास साइक्रिया कर्ता एक वचन, लोगों से देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास साइक्रिया एक ही है जो सभी कर्ताओं के साथ प्रयुक्त होगी। तो सीता है अरे गाना, गाने को एस फॉर्म होती है सिंग। सेकंड फॉर्म में आपने नियम बताया था कि फर्स्ट फॉर्म में आई होता है तो सेकंड फॉर्म में उसको किस तरह से क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं। तो थर्ड फॉर्म में वो क्या हो जाता है? यू हो जाता है। तो सीता हैड संग ए सॉन्ग, जैसे एस आई एन जी सिंग, एस ए एन जी संग और एस यू एन जी एस यू एन जी संग। इस तरीके से अब दूसरा वाक्य है सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग। तीसरा हो गया हैड सीता संगे सॉन्ग। अब जो तीसरा वाक्य है वो हो गया है सीता सीता हैड संगे सॉन्ग, सीता हैड नोट संगे सॉन्ग। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वहां से उसमें साइकिल पहले ले लीजिए हो जाएगा हैड सीता संगे सॉन्ग। तो चौथा वाक्य है इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वहां से नकारात्मक में उसमें हैड फिर करता सीता उसके बाद में नोट, तो हैड सीता नोट संगे सॉन्ग।
इस प्रकार इसके लिए जैसे अगर हम आई को बहुवचन मानते हैं कि आई बहुवचन है तो उसका भी हमने क्या लगाया था हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया था। सही तरीके क्या लगा था हेड लगा था। अब आपको पता है कि सीता एकवचन है तो सीता एकवचन है इसके साथ हम सही तरीके क्या लगा रहे हैं हेड लगा रहे हैं। इसका मतलब बहुवचन के साथ में भी हेड आया था और एकवचन सीता के साथ में भी हेड आया है तो इसका मतलब हो गया कि टेंस में सभी कर्ता समान है सभी कर्ताओं के साथ और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी सही क्रिया हेड का प्रयोग होगा तो सभी कर्ताओं के साथ सही क्रिया है। अब इसका मैं एक उदाहरण आपको और समझा देता हूं। वे मैच जीत चुके थे इसका दूसरा क्या वाक्य होगा उन्होंने मैच जीत लिया था। उन्होंने वे का वे जब पास्ट में जाएगा तो उसका क्या निकलेगा उन्हें होने और मैच जीत लिया था तो पास्ट में वे का क्या उन्होंने निकलता है। अब इसका कर्ता कौन है वे की अंग्रेजी क्या हुई दे। दूसरा नंबर पर सही क्रिया है कर्ता दे सही क्रिया है। अब है जीतना जीतने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है विन तो सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉन। दे है वॉन not won match तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट के जो प्रथम प्रकार के जो वाक्य होते हैं फर्स्ट टाइप जो होते हैं इसको वो हमारे पूरे हो गए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम प्रथम प्रकार के वाक्य हैं वो हमारे पूरे हो गए जिसमें आप प्रविखोर का प्रयोग नहीं होता है। अब हम वो पढ़ेंगे जिसमें आप प्रविखोर का प्रयोग होता है तो पास्ट परफेक्ट में सेकंड फॉर्म की जो पूरे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म की जो पूरी तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद बार जरूर पढ़ती है आज आप लोगों के लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है पांच सात वो दिखा रहा हूँ इसलिए आप उसको जरूर याद करें। यहाँ पर भी कहता हूँ पहले विल वॉन वॉन लर्न 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 teach taught or T-A-U-G-H teach taught उसके बाद में
F O U G H out. F O U G H E out. उसके बाद में नॉर्मल जानना न्यू नाउन देखो यहां पर एक मान जीतना वन मान जीतना वन मान जीत चुका टीच पढ़ाना एम कराना क्रॉट पढ़ाया टॉट पढ़ा चुका कैच मान पकड़ना कॉट मान पकड़ा कॉट मान पकड़े चुका उसके बाद में फाइट मान लड़ना फाउट मान लड़ा और फाउट मान लड़े चुका इसी प्रकार नौ मिस जानना न्यू माने जाना नौ मिस जाने चुका तो उसके बाद एस ए वाई सेवन कहना सेड सेड एल कॉल्ड कॉल्ड आस आस करें तो दो दो चार और पांच छह वो अर्थात ये जितने ज्यादा आपको वर्ब्स लिखाई हैं उनको आप साथ में थोड़ा थोड़ा याद करते रहे ताकि आपके पास वर्ब का एक शब्द भंडार हो जाए वर्ब याद करने से नंबर एक में नहीं याद होता है नंबर दो आपके वर्ब है वो आपको याद होती है तो टेंस के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट के अंदर इक्विपेशन के अंदर है मुझे उम्र है इनका बहुत अधिक है मेल पे रहता है तो आप अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेकंड प्रकार के वाक्य होते हैं आफ्टर बिफोर वाले जो वाक्य होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा तब तक आप इस टेंस के साथ अच्छी तरीके से जुड़ करके इसकी पहचान इसके नियम इसके सूत्र अच्छी तरीके से पढ़ें इस वीडियो को शुरू से अंदर अच्छी तरीके से देखें सुने समझें और साथ साथ में वे चीज़ें जो नोट करने योग्य हैं वो उनको नोट भी करते रहना इसी के साथ धन्यवाद सुरक्षित रहें घर पे रहें